क्लास में आगे बैठते थे या पीछे बैठते थे, ये बात इस रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स पीछे बैठते थे उन्हें रफ समझा जाता था, रफ मटेरियल समझा जाता है। जो स्टूडेंट पीछे बैठते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन्हें सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि सिर्फ रटो और समझो मत। आपको रट कर चीज़ें लिखनी हैं, थोपनी हैं और पास होना है। आज की मूवी में आपको एक ऐसा रिव्यू मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई दिखाएगा। रफ बुक इस मूवी का नाम है और इसकी जो एक्ट्रेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमाल की एक्टिंग है, क्योंकि इस मूवी में हम ये समझते हैं कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें चीज़ों को रटने के लिए कहा जाता है और सिर्फ पढ़ते रहो, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उस चीज़ को हम किसी चीज़ से लिंक करके या एग्जांपल के ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसा होना चाहिए ये बात बताती है रफ बुक मूवी। दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इस मूवी को देखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे भारत विश्व गुरु बन सकता है एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए। क्योंकि एक अच्छी पॉलिसी लाने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे टीचर्स को लाना। एक ऐसा टीचर इस मूवी में दिखाया गया है जो अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश में लगे होते हैं, और साथ ही इसके खिलाफ हमें जो एजुकेशन सिस्टम में जो घोटाले होते हैं वो भी उजागर होते हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।